नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। कांग्रेस एक बार फिर सड़कों में उतरने की तैयारी कर रही है। जी हां, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इरादे आज जताए। उनका कहना था, शहर में विकास हो जरूरी है, बेहतर है, हम भी विकास चाहते हैं, हम विकास के हर मुद्दे पर भाजपा का साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो विकास हो सार्थक विकास हो, अब हमें दुकानें नहीं चाहिए। उनका इशारा था गंगा कछार ऑफिस, जो शिल्पी प्लाजा के ठीक पीछे है, एसपी ऑफिस के पीछे है, वहां पर शॉपिंग मॉल बनाए जाने को लेकर भाजपा की मुहिम का वो विरोध जता रहे थे। उनका कहना था साफ तौर से वहां पर कन्या महाविद्यालय खोल दिया जाए। आज तक पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया, कोई भी सार्थक विकास रीवा के लिए नहीं किया। अगर कन्या महाविद्यालय वहां खोल दिया जाए तो एक बेहतर विकास होगा। दुकानें वैसे भी खाली हैं, कोरोना काल चल रहा है, दुकान कोई व्यापारी खोलना नहीं चाहता, जो भी थी वो भी बंद हो रही है। बेहतर जो होगा वहां पर कन्या महाविद्यालय खोल दिया जाए। पिछले दिनों इसी को लेकर एक विज्ञप्ति जारी हुई थी। उनका कहना था 5 करोड़ रुपए में गंगा कछार ऑफिस ले लो, बदले में नया सर्किट हाउस बना दो। वो इसी बात का विरोध कर रहे थे। आइए आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलता हूं और बताता हूं क्या कुछ कहा उन्होंने। लगातार समाचार पत्रों पे प्रकाशित हो रहा है कि सिरमौर चौराहा, गंगा कछार और सरकारी जमीनें पुनर्घरतीकरण योजना के तहत दी जाने वाली हैं, उसके प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं। विकास हर व्यक्ति, शहर का छोटा हो या बड़ा, वह हर व्यक्ति चाहता है कि विकास हो। लेकिन ऐसा विकास जिसमें हम अपने पूर्वजों की धरोहर को बेचकर एक महल अब खड़ा कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्ग जब हमारी नौजवान पीढ़ी को अपने खेत बेचते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों को बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे इस बच्चे ने खेत बेच दिया जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था। यह प्रथा पिछले 15 वर्षों से चल रही, उन 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी तो एक भी शहर के अंदर 1 इंच जमीन भी आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नहीं बेची और ना ही पुनर्घरतीकरण योजना में दी। इस कोरोना की महामारी में आम आदमी, छोटा हो या बड़ा, सभी परेशान हैं। 2020 का कोरोना, 2021 का कोरोना और तीसरी लहर के बारे में सुनते हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। यही शहर का अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट संजय गांधी, प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, हर आम आदमी उससे परेशान था, जूझ रहा था, चाहे वो हमारे पत्रकार भाई हों, चाहे वो हमारे आम जनमानस हो और चाहे बड़े बड़े रीवा के व्यापारी क्यों ना हो, हर घर परेशान था। हर एक घर में कहीं ना कहीं यह कोरोना की व्यथा और पीड़ा थी। तो आज जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है कोरोना से निपटने की, आज जो ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य की, पहली। और दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है बेरोजगारी को कम करने की। दुकानें बन जाने से बेरोजगारी कम नहीं होगी, कि दुकानें हमने बना दी और बेरोजगारी कम हो जाएगी। आज आप शिल्पी प्लाजा में चले जाइए, बहुत सारे दुकानदार किराए पे हैं जो किराया नहीं दे पा रहे हैं। दुकानें और बिल्डिंगें और माल बन गई है लेकिन खरीदार नहीं है शहर के अंदर।
लाखों से दूसरा कन्या महाविद्यालय नहीं बन पाया और गंगा कछार और कन्या महाविद्यालय की दूरी 100 मीटर के आसपास है, तो गंगा कछार में कन्या महाविद्यालय खुलना चाहिए। अब पुनर्गृहतीकरण योजना के तहत अगर कुछ चीज़ें दी जानी हैं, ज़रूरत है इस शहर के विकास के लिए, तो हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन वह स्वागत योग्य बात तब होगी जब वहाँ कन्या महाविद्यालय खुले, वहाँ धर्मशाला खुले। पूर्व मंत्री जी ने विकास की बात करते हुए एक बात की थी कि राजस्व मंडल की खंडपीठ रीवा आनी थी, जो नहीं आई उसको तुरंत पूर्व मंत्री जी बुलाएं और गंगा कछार में खोल दें। इसी तरह पूर्व मंत्री जी ने राज्य उपभोक्ता फोरम की भी बात की थी, हम उनका स्वागत करते हैं, राज्य उपभोक्ता फोरम की गंगा कछार में खोल दें। शहर का स्कूल शायद रीवा के उस पुराने स्कूल के बारे में हम आप से ज़्यादा हमारे बुजुर्ग जानते हैं, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वह स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल। उस गवर्नमेंट स्कूल के हालात पिछले 15 वर्ष से देख लीजिए, सुधारिए, बिल्कुल स्वागत है, उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। और रीवा का हर वह व्यक्ति एक नए रीवा को देखना चाहता है, वह यह रीवा नहीं देखना चाहता कि हमने ज़मीन बेच दी दुकान बन गई। और दुर्भाग्य इस बात का, जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि समाचार पत्रों पर लिखा है कि 5 करोड़ रुपए में सर्किट हाउस बनेगा, उसके बदले में गंगा कछार। अरे भाई, जब 100 करोड़ के पुल का ठेका PWD ले सकता है, जब 100 करोड़ की मॉडल रोड का पैसा PWD दे सकता है, तो क्या PWD 5 करोड़ रुपए सर्किट हाउस के लिए नहीं दे सकता? दे सकता है। अय्या पूर्व मंत्री जी के लिए तो चुटकी बजा के काम है कि गोपाल भार्गव जी से आग्रह करें और विधानसभा अध्यक्ष जी भी आए, 5 करोड़ मिल जाएगा। इसी तरह संस्कृत विभाग, लाइब्रेरी नहीं बननी है, बननी चाहिए, लेकिन संस्कृत विभाग से मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी जाएं, बात करें। अगर इनको लगता है कि इनकी भाजपा के अंदर नहीं सुनी जा रही है, तो विपक्ष में हम सबको लेके चले जाएं, हम गोपाल भार्गव के पास चलने के लिए तैयार हैं। आपने नया बस स्टैंड बनाया, सिरमौर चौराहे की ज़मीन दी, अब लोगों को ये पता भी तो चलना चाहिए कि हमने वो ज़मीन 4 करोड़ में दी थी और नया बस स्टैंड में बिल्डर ने 150 करोड़ कमा लिया। कितना कमा लिया? 150 करोड़। कितने की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं? रजिस्ट्रियों से पता चल जाएगा उसने कितना कमाया, रजिस्ट्रियों से ये साफ पता चल जाएगा मृगेंद्र भाई कि उसने कितना कमाया। तो आपने नए बस स्टैंड की ज़मीन 6 करोड़ में दी और रजिस्ट्री में राजस्व उसने अगर 40 करोड़ रुपये दिया है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि घाटे का सौदा कौन किया है, सरकार ने घाटे का सौदा किया कि कौन फायदे पर रहा, नेता और बिल्डर की जोड़ी फायदे पर रही कि वो ज़मीन जो हमारे पूर्वजों की थी जो चली गई, वो रीवा की जनमानस के साथ क्या हुआ है, छलावा हुआ कि सच्चाई आई है सामने आ जाएगा।